यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये ऑयल क्या है. वेल ये ऑयल इतना मैजिकल ऑयल है कि इसकी मैं रेसिपी आज आपको शेयर करूंगी. अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं ऑलवेज बैंगलोर कर्नाटका करके टैग रहता है लोकेशन, बिकॉज मैं यहाँ पे रहती हूँ. अगर आप कभी बैंगलोर या कभी साउथ में आएंगे तो हमेशा देखेंगे बच्चियों के बाल बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बिकॉज बचपन से ही ऐसे होममेड ऑयल ही यूज किए जाते हैं. आज ये जो ऑयल आपने देखा ये एक मैजिकल ऑयल है जो मेरी आंटी ऑलमोस्ट 50 ईयर्स से यूज कर रही है, और उनके बाल अगर मैं बताऊँ आपको तो अमेजिंग बाल है. उनकी एज है 65 बट उनके बाल इतने अमेजिंग है अभी भी. सो मेरी जो आंटी है वो हिंदी नहीं बात करती तो वो तुलु में बोलेंगी. अगर वो कन्नड़ा बोलती तो मैंने डायरेक्टली ट्रांसलेट कर दिया होता, लेकिन तुलु मुझे समझ में नहीं आती इसलिए मैंने बीच में मेरी दीदी को रखा है. तो मेरी आंटी आपको रेसिपी बताएंगी, मेरी दीदी ट्रांसलेट करेंगी. ओके सो ये मेरी दीदी है, सो वो ट्रांसलेट करेंगी और रेसिपी आप तक पहुंचेगी. और जैसे आंटी के पहले बाल देख सकते हैं आप, आंटी के बाल की लेंथ देख सकते हैं, इतनी एज हो गई फिर भी इतने लंबे बाल हैं उनके. अकले के पल्ले एंचो मन पर एन्ने अंद एन्ने ना मेत्ते नंचिर पोद पोडु अदा बेच्चमन पोडु बेच्चमन तदाद करी बेव बेव सोप्पुनो पोरलु देक्कद अइनेड उंगा ओडु दोंबडत गाली गेंच उंगाद अइना पोद बेच्चाल पोडु बेच्चमन तद बक्का curry leaves first you have to dry it not under the sun, you have to dry it under the fan or something so that the moist of the kadi patta curry leaves you know disappears. Mixed powder mal podradla ottige padu mettela curry beeda tappula padu powder mal podu dry roast it in your pan and then you have to dry roast it and dry roast methi seeds also so probably depending on how much you want to quantity you can decide how much methi seeds have to go. So both have to be dry roasted and then you have to mix them as a powder. Like banana idu ik enna maitadu kaayaradi odu edda kaayadu simmudidi odu jina urkarundu edu kurthu mutta kaayadu anji 20 nimisha kaayadu 20 nimisha kaayadu. So once you're done with your powder what you have to do is you have to take a good pan which is thick pan, sim the gas. Don't do a high flame. Powder plus your coconut oil or any other oil which you generally use for your head, you have to use it and for 20 minutes continuously you have to stir it. Adha kaayine vannon podu idinu simmude diyodu gas acha jorsu man peravalli edda kaayodu edda kamminal varpunu enna kaayinaga. It is pretty hot, so when it is actually boiling also she says that it gives a good aroma also. So then you cool it and then you use it and then you get hair like her long ones. Okay. that's the thing. Yeah, what should you use manpuli anji aaj tingalu use manpuli 6 months you can use it. Kind of. Like you have to boil it really well so that it stays for a longer period of time. Okay. So रेसिपीज का मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि आपको करी लीव्स लेने हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी कि कितना आपको ऑयल बनाना है तो मे बी हैंडफुल अगर लेंगे तो चलेगा. उसको सुखाना है, आपको धूप में नहीं सुखाना है, उसको घर के अंदर सुखाइए, उसका मॉइस्चर पूरा उड़ जाएगा जब. तो उसको आपको ड्राई रोस्ट करना है, पैन थिक पैन लेना है आपको, थिक बेस पैन लेना है बिकॉज उसको आपको सिम पे पकाना है और काफी टाइम तक पकाना है जिससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है. सो ड्राई रोस्ट करने आपको करी लीव्स, उसमें आपको फेन्युग्रीक सीड मतलब मेथी के दाने भी सुखा मतलब ड्राई रोस्ट करने, दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिला के फिर आप कोई भी कैरियर ऑयल ले सकते हैं जो भी आप प्रीफर करते हैं. नॉर्मली हमने यहाँ पे जो लिया है वो है कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल बेसिकली हम लोग साउथ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. सो कोकोनट ऑयल में उसको आप कम से कम 20-30 मिनट्स तक उसको कुक कीजिए, उससे मतलब वो अच्छे से एक अरोमा छोड़ने लगेगा. थिक बेस मैंने इसलिए बोला बिकॉज आपको काफी टाइम तक उसको पकाना है, सिम पे पकाना है, हाई फ्लेम नहीं करनी है. कुक होने के बाद इसको एकदम थिक पेस्ट जैसा मिल जाएगा बिकॉज अगर आप ऑयल बहुत ज्यादा डाल देंगे तो वॉटरी होगा और उतना उसको बेनिफिट्स मिलेंगे नहीं. तो अगर आपने लाइक हैंडफुल ऑफ करी लीव्स लिया है तो कम से कम ऐसे ऑलमोस्ट हाफ कप आपको ऑयल लेना पड़ेगा. और इसकी फिर जब बहुत ही बॉइलिंग हॉट होगा फिर आप इसको फ्लेम ऑफ कर दीजिए एंड ठंडा होने के बाद आप यूज कर सकते हैं. 6 मंथ तक ये चलेगा आराम से आपका और इट्स एक्चुअली अ मैजिकल. अभी अगर आप देखेंगे तो लंपी इसलिए बिकॉज ठंड का मौसम है तो कोकोनट ऑयल ऑलवेज जम जाता है. सो इसको अगर हम यूज करेंगे तो थोड़ा लेके 2 टेबलस्पून लेंगे और थोड़ा वार्म करके मसाज करेंगे तो आपका स्कैल्प स्टिमुलेट होता है. तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग अ हॉट ऑयल मसाज. सो रेसिपी आपको मेरी आंटी के मुंह से मिल गई तो ऑथेंटिक है, मैंने इसलिए कर दिया. देख सकते हैं उनके बाल कितने क्लासिक हैं. सो अगर आपको इस टाइप के हेयर चाहिए तो आप ये ऑयल जरूर ट्राई कर सकते हैं. अगर लंबे बालों में इंटरेस्ट है तो आई थिंक यू शुड गिव इट अ शॉट एंड मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो जरूर ये ट्राई करूंगी. क्विकली आपको शेयर करूंगी रेसिपी. Thank you, auntie. Thank you for sharing your secret recipe. Thank you for checking with us. So, ये मेरी दीदी हैं. ये आप regularly मेरी stories में देख सकते हैं.